खोराबार थाना क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन में उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टर जेसीबी डंफर पोकलैंड को सीज कर दिया। इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर आईएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि खोराबार थाना क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है, जिसको देखते हुए खोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर के पास मौके पर पहुंचकर अवैध खनन कर रहे दो जेसीबी, एक पोकलैंड, एक डंफर और 6 ट्रैक्टर को पकड़कर सीज कर दिया गया तथा खोराबार पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। एसडीएम सदर ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना परमिट के अवैध खनन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, खोराबार थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, पोकलैंड ट्रैक्टर सीज किया, क्या मामला? कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि खोराबार क्षेत्र में अवैध खनन काफ़ी जोर से और धड़ल्ले से चल रहा है, तो आज हमने एक तरीके से एक प्लानिंग तरीके से एक रेड डाली और जिसमें मौके से कई सारे जेसीबी, पोकलैंड ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर रंगे हाथों पकड़े जो कि अवैध खनन में संलिप्त थे। हमें देखते ही लोग भाग गए, ड्राइवर्स और उसके जो लोग हैं वो सब भाग गए। फिर पुलिस और उसको हमने मदद से उनको एक जगह इकट्ठा करवाया, थाना खोराबार की सुपुर्दगी दे दी है। बहुत उसमें पिछले दिनों भी एक घटना हुई थी खोराबार में, जिसमें एक खनन करते हुए डंपर ने किसी एक व्यक्ति को चोट मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वहाँ के स्थानीय निवासियों में इस खनन को लेकर काफ़ी रोष व्याप्त था, डेली हमें शिकायतें होती रहती थी। तो आज हम सुबह हमने रंगे हाथों पकड़ा है और हमारी ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। किसी भी प्रकार के अवैध खनन को परमिशन नहीं दी जाएगी, खनन की परमिशन दी जा रही है। लीगल तरीके से खनन की परमिशन लेकर कोई भी व्यवसाय अपना कर सकता है, कोई भी खनन कर सकता है, लेकिन बिना परमिशन के अवैध तरीके से इस तरीके से परमिशन नहीं दी जाएगी, अलाउ नहीं किया जाएगा।